तेरे लिए सेब काटती हूँ। अरे नहीं रहने दे, ये रख। अमो अरे सुन, मैं हिसाब कर रही थी, मेरी सैलरी आएगी ना तो राशन का खर्चा तो निकल जाएगा, और विराट सर की जॉब भी लग जाएगी ना तो पानी बिजली वगैरह भी मैनेज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। अमो तू जानती है ना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा ऐसा घुट घुट के जीना, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, मेरी तरह ऐसा रिश्तों का बोझ उठाते नहीं। तुझे तुझे डर नहीं लगता? जिंदगी बीत रही है हम, कब तक दूसरों का भार उठाती रहेगी? पहले अपने बाबा के लिए उठाया, सबकी जिम्मेदारी अपने पे लिया, और ये सब अब ये सब प्रियंका ने किया है। वो मजे से रह रही है उस घर में, तेरी कोई गलती नहीं है, तो तू क्यों भुगत रही है सब? मैं जानती हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। दिखाई उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है, और फिर तू ही तो कहती है ना कि अगर जिंदगी में चीजें आपके हिसाब से ना हो तो हार नहीं मान लेनी चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ताकि मुसीबत खुद ही आ जाए। और ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे घबराहट नहीं होती, लेकिन फिर मुझे याद आता ना मेरे साथ भवानी चिट्टे से। मैं सच कह रही हूँ, आई सुन, तो ताकत है मेरी, तू मेरा साथ देगी, मैं हर मुसीबत का सामना कर सकती, तू मेरा साथ नहीं छोड़ी। मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ कहाँ है मेरा गिफ्ट? सो गिफ्ट? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे लिए गिफ्ट आया था। हाँ वो बड़ा सा बक्सा मिस्टर आहूजा के नाम से। हाँ उसी गिफ्ट के बारे में कह रही हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है? जानती हूँ मैं, तुम्हारी बहन ने लिया है। मुझे ताने देकर उसका दिल नहीं भरा ना, इसलिए मेरा गिफ्ट गायब कर दिया उसने। क्या बोल रहे? मैम आपको शायद कोई शट अप अमृता। हम तुम्हारे जहाका और आंटी के घर में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हारी मौसी सिर्फ बदतमीजी नहीं, चोर भी है। बबीता जी, क्या कह रही है आप? आपकी हिम्मत कैसी हुई? माना कि वो थोड़ा कड़वा बोलती है, आपसे नाराज रहती है, लेकिन इसकी भी कोई वजह है ना? वो अच्छे से जानती है आपका अमू की तरफ का बताओ, इसलिए नाराज रहती है, गुस्सा आता है, बस और कुछ नहीं। उसको ना आपसे कोई मतलब नहीं है, चोर नहीं है वो, बहुत पैसे है उसके पास, और आज की तारीख में बुरा मत मानिए बबीता जी, आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा है उसके पास। कैसे मुझे तुम मिल गए? डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।